नमस्कार दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। छंदों की श्रेणी में अगला छंद है 14 वर्णों का वसंत कर्ण का छंद। छंदों को हमने पढ़ा है, कुछ वैदिक छंद भी हैं, कुछ लौकिक छंद भी हैं। तो उन लौकिक छंदों में अब तक आपने 12 वर्णों के छंदों तक जानकारी प्राप्त की थी, अध्ययन किया था। अगला है 14 वर्ण का छंद जो है वसंत कर्ण का छंद। तो बच्चों, ये पहली बात तो यह है कि 14 वर्णों का एक ही छंद है जिसे हम वसंत कर्ण का नाम से जानते हैं। और जब भी उदाहरण परीक्षा में दिया जाता है तो उसके उसकी पहचान कराने के लिए कि ये कौन सा छंद है और इसका लक्षण बताइए, तो उसमें हमें वर्ण गिनकर भी, मान लीजिए कि 14 दे रखे हैं तो वसंत कर्ण का है ये। और अगर किसी एक पंक्ति में मान लीजिए कि 28 वर्ण दे रखे हैं, क्योंकि हम इनको गिनकर के भी हम छंदों का ज्ञान करते हैं। तो देखिए, अगर 28 वर्ण में दे रखे हैं तो उसमें दो चरण हो जाते हैं, दो चरण 14-14 के होते हैं और वो होता है वसंत कर्ण का छंद। तो वह 14 वर्ण वाला वसंत कर्ण का छंद, इसका लक्षण है उगता वसंत कर्ण का अभजा जगोदय। उगता वसंत कर्ण का अभजा जगोदय अर्थात वसंत कर्ण का छंद में 1, 2, 3, 4 और गौ गय मतलब गुरु का जोड़ा, गौ गय गौ मतलब गुरु का के माने जोड़ा, गुरु का जोड़ा होता है। अर्थात अंत में दो, पहला तगड़ होता है, दूसरा भगड़ होता है, तीसरा जगड़ होता है, चौथा जगड़ होता है। तगड़, भगड़, जगड़, जगण और लास्ट में दो गुरु के क्रम से कुल 14 वर्ण होते हैं। किसमें? वसंत कर्णिका छंद के उदाहरण में। जैसे देखिए, लिखा हुआ वसंत कर्णिका छंद के प्रत्येक चरण में तगड़, भगड़, दो जगण एवं दो गुरु के क्रम से कुल 14 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? कुल 14 वर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है। जैसा देखिए, उदाहरण में लिखा हुआ है पद्माकर्म, ये पद्माकर्म है, इसमें आधा द है और मा पूरा है, द आधा है और मा में पूरा है पद्माकर्म। इसको दूसरे तरीके से ऐसे देखा जाता है, क्योंकि हलंत से युक्त वर्ण बीच में बहुत कम लिखे जाते हैं, इसलिए इसे ऐसे देखा जाता है। तो पद्माकर्म दिन करो विकची करो दी चंद्रो विकास दी करवे चक्रवा करवे चक्रवा बालन करवे चक्रवालन ना अभ्यर्थितो जल धरो अपि जलम ददाति संतय स्वयं परिते वीता वियोगः। ये उदाहरण है बच्चों। इसमें देखिए, सबसे पहले हम जानकारी करते हैं तो वर्णों के गिनने से करते हैं। तो देखिए, 1, 2, 3, 4 या ऐसे गिने तो आधे वर्ण को गिनते नहीं बच्चों। 1, 2, 3, 4 ये चार चार है, या इसको पढ़िए या इसको पढ़िए, इन दोनों का मतलब एक ही है, आधा दे है। यदि इसको ये समझ में नहीं आए तो मैंने इस दूसरे तरीके से ऐसे लिख दिया है कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पहला छंद है, पहला चरण यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये दूसरा चरण है, ये भी आधा है, इसलिए इसको गिनते नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसको भी नहीं गिनेंगे। स्वर तो है लेकिन कैसा है? हाँ, अवग्र चिन्ह है, अवग्र चिन्ह है, इसलिए इसको नहीं गिनेंगे। तो कितने हुए? 9 हुए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एक बार पुनः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तीसरा चरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चौथा चरण। चारों चरणों में 14-14 वर्ण है, बिल्कुल सही है। तो ये उदाहरण पहले पता लग गया कि जिसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं वो वसंत तरका का होता है। वसंत तरका सिर्फ एक ही छंद होता है। जब एक ही छंद होता है तो इसके लक्षण रहेंगे, लक्षण के अनुसार हम इस पर लघु गुरु वर्ण लगा करके गणचिन्ह बनाएंगे और गणचिन्ह बना करके हम उनका मिलान करेंगे कि हकीकत में ये उदाहरण हमारा वसंत तरका का है या नहीं है। इस चीज के बारे में हम यहाँ लघु गुरु वर्ण लगा करके करेंगे। देखिए, इसको छोड़िए, इससे लगाइए पै
कारण हूँ, ये लघु, ये लघु, ये दीर्घ स्वर के कारण हूँ, ये लघु, ये दीर्घ स्वर के कारण हूँ, इसको हम विकल्प से गुरु कर देंगे। इससे विकल्प से ये गुरु, क्योंकि आधा ले और आधा रहे, इसको गुरु कर देगा। सही तुरंत गुरु वाले को गुरु कर देता है। ये गुरु लघु 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 और ये आई है, यानी दीर्घ स्वर है, इसलिए ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये संयुक्त वर्ण के कारण गुरु, ये लघु, ये गुरु और ये आदि संयुक्त वर्ण के कारण गुरु हो गया है। ऐसे ही आपको लगाना है इस दूसरी पंक्ति में, इसका अभ्यास करना है और अभ्यास करके इसको देखना है लगा करके कि गण बनते हैं भी या नहीं भी बनते हैं। चलिए, पहला गण यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, चौथा यहाँ तक, दो गुणराशि है, एक दो तीन चार और ये दो गुणराशि। तो हमारा लक्षण कह रहा है कि पहला तगण, दूसरा बगण, और लास्ट में दो जगण, यानी पीछे दो जगण है, पहला तगण, बगण, तगण, बगण और दो जगण। तो तगण में क्या होता है, चलिए बनाते हैं, तगण बनाइए, या मां ताराज, ताराज के क्रम से गुरु गुरु लघु होगा इसमें तगण में। फिर हमें बनाना है क्या, भगण, भगण बनाना है, तो यमा ताराज भानस, भानस, तो इसका लघु 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 होगा इसमें भगण में। उसके बाद बच्चों क्या है, हमें बनाना है जगण, जगण बनाना है, तो यमा ताराज भानु, जवान सब बनेगा, तो इसका होगा लघु 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 लघु। तो ये आपका जगण है, ये तगण, ये भगण, ये जगण मिला करिए, गुरु लघु तगण, सही है। और दूसरा होना चाहिए भगण, तो भगण क्या है, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, ये भगण हो गया। और लास्ट में जो जगण है, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु के क्रम से, लघु लघु के क्रम से, ये भी आपका जगण है और ये भी आपका जगण है। तो ये भी आपका तगण है, ये आपका भगण है और लास्ट में भी जगण है। तो इनका आप दूसरी पंक्ति में भी आप लगा करके इन उदाहरणों को, इस उदाहरण को चेक करना और लगा करके इसके लघु वर्ण बनाना, लघु वर्ण लगा करके गण बनाना, और इसी प्रकार गण मेल आते हैं तो बिल्कुल सही है, अन्यथा आपके उसमें लगाने में कोई गलती है, उसको थोड़ा सा रिवीज करिए। आगे अगला छंद पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।